दोस्तों, सो काफ़ी अजीब लग रहा है मुझे इस समय वीडियो बनाने में. समय हुआ है लम्बी चल 11:30 हो चुके हैं और हिम्मत अन उसके डैड को मैंने सोने के लिए भेज दिया है अराउंड 1 घंटा पहले. अब तक वो सो चुके होंगे. मैं किचन को क्लीन करने में बिज़ी थी. ये क्लीन वर्ड मेरी व्लॉग में ज़रूर से आता है क्योंकि सारा दिन मेरा क्लीनिंग में निकल जाता है. एक चीज़ क्लीन करो तो दूजी पड़ी है, दूजी करो तो तीजी पड़ी है, सारा ज़िंदगी ख़राब हो गया है. ऑल राइट, वापस आते हैं. कल हिम्मत का बर्थडे है और उसने मुझे कहा कि डेकोरेशन करना, पर तब करना जब मैं स्कूल में बिज़ी होगा. पर कल उसका बर्थडे है, उठते ही डेकोरेट होगा तो अच्छा लगेगा. सो यस, इस बर्थडे में भी दोस्त नहीं आने वाले हैं. सो या मैं कुछ डेकोरेशन करने वाली हूँ और लेटर हम डेकोरेशन ऐड करते जाएंगे. पर सुबह उठ के उसे फील हो कि उसका बर्थडे है. जो भी उसने चीज़ें मांगी हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट सब कुछ उसको मिलेगा. जो भी वो खाना चाहता है वो उसको खिलाया जाएगा. सो डेकोरेशन करने वाली हूँ मैं. अपस्टेयर्स कोई मूवमेंट्स हो रही हैं तो थोड़ी वेट करती हूँ. उसके बाद मैं बलून फुलाने वाली हूँ. सो लेट्स डू दैट. सो मेरे पास है ऐसे ब्लू टैसल से खूब सारे, 2-4, और ये कुछ बर्थडे के हैं. लास्ट टाइम जैसी हैट मिली है मुझे बर्थडे बॉय. कुछ और आलतू फालतू डेकोरेशन. सो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी मुझे डेकोरेशन करने के लिए. गुब्बारे फुलाना मुझे लगता था ये पंप से आसान हो जाएगा, पर नहीं था. सो यस, इसी तरह मैंने कुछ डेकोरेट कर दिया. बलून्स मैंने कितने सारे बना लिए थे कि हिम्मत सुबह उठ के हैरान परेशान हो जाएगा. I tell her lies, I know I never fall. You know I won't accept it. यस, इसी तरह ये डेकोरेशन लगी है. बाकी चीज़ें मैंने सुबह उठ के की और मैंने ये सारे बलून्स को टाई करके हैंग कर दिया जगह जगह. हिम्मत एक्चुअली चाहता था कि फ्लोर पे ही रहे सब कुछ, पर मैंने कहा कि इस अच्छा है कि ज़्यादा देर तक टिक पाएगी डेकोरेशन. सो उसके बाद सीधा आ जाते हैं लंच पे. लंच में मैंने आज 3 चीज़ें बनाई हैं, करेले, पिंडी एंड दाल, जिसमें मैंने लौकी डाली है. करेले को मैंने कल रात को बनाया था. मैं करेले खाने वाली नहीं थी क्योंकि कुछ दिन पहले खाए, पर हस्बैंड ग्रॉसरी करने के लिए गए थे. वो हर वो चीज़ ले आते हैं जो उनका मन करता है. उनको लगा कि मुझे करेले अच्छे लगते हैं तो वो लेके आ गए. पर जब मैं एक बार करेले खाती हूँ तो 1-2 वीक की तो ब्रेक चाहिए. रोज़ रोज़ तो खा नहीं सकते. कल परसों ही करेले मुक्के हैं, वो फिर से ले आए. पर मैंने इस बार सोचा कि इसे दूसरे ढंग से बनाती हूँ. मैंने क्या किया, मसाला पहले कुक कर लिया और करेले कच्चे करेले में भर लिया मैंने इसको और एयर फ्राई किया विदाउट ऑयल. एंड उसके बाद इसमें धागा भी लपेट दिया क्योंकि मैं इसे एयर फ्रायर में करने वाली हूँ. मुझे लगा कि अगर धागा नहीं लगाऊंगी तो हो सकता है कि मेरा मसाला खिलर जाए. इसे मैं करूंगी अराउंड 15-16 मिनट अंदर 370 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पे. सो यस, करेले इस तरह के बने. करेले ठीक थे, पर मुझे लगा कि जब आप एयर फ्रायर यूज़ करके करेले बनाते हैं ना तो बड़े रबड़ी से हो गए, जैसे रबड़ जैसे हो गए, थोड़े हार्ड हो गए. मैनु ये मेथड इतना अच्छा नहीं लगा. ट्रेडिशनल मेथड ही अच्छा है. पर यार ये है कि इसमें ऑयल नहीं है, हेल्दी ऑप्शन है, बट वंस इन अ वाइल आपको खाने होते हैं तो इट्स ओके. और बाकी सब्जियों की राज ये है कि भिंडी काफ़ी दिन से फ्रिज में पड़ी थी और मुझे उसे कुक करना था एंड लौकी को भी यूज़ करना था, तो इसलिए मैंने सोचा दाल बना रही थी क्योंकि हस्बैंड को नॉर्मल लौकी की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती. और उसके साथ परांठा बना रही हूँ मैं. परांठी कहते हैं इसको. परांठा होता है जो स्टफिंग वाला, पर आप क्या कहते हो, परांठे ही कहते होंगे ना. परांठी अजीब लगता है. अगर आप परांठी कहते हैं तो मुझे ज़रूर बताना. तो इस तरह हमारा हो गया लंच तैयार. इसमें हम सैलड भी खा रहे हैं खूब सारा, एवोकाडो एंड अनियंस के साथ एंड क्यूकम्बर्स. सो बहुत मज़ेदार मील बना हमारा क्योंकि जब आप ड्राई सब्जियाँ बनाते हैं ना उसके साथ दाल बहुत अच्छी लगती है.
उसके बाद हिम्मत उठ चुका है और वो कोशिश कर रहा है ये पानी वाले गुब्बारे वो पंप के साथ फुलाने के लिए, और वो इतना खुश हुआ था ना डेकोरेशन को देख के, बहुत एक्साइटेड था वो। अब हम हिम्मत को प्रेजेंट्स दे देंगे, प्रेजेंट्स देख के भी खुश हुआ वो, वही जो उसे वही मिला जो वो चाहता था। Spaceship. You like spaceship, right? Yes. Are you excited to make spaceship? Yes. Then I got a present in the spaceship. Guys. Spaceship. Okay. So first, let's open it. So Mimi got a bumblebee. And this door actually opens. Yeah. I just got guys. We are. Uh huh. I know. And he transformed to a car, actually. That's a bumblebee. Yeah, bumblebee. You met bumblebee in Disneyland, remember? Uh-huh, I saw him. And I said, was so huge, but in the toy it looks like this. And he got a person he needs to save. Whoa, wolves, there's wolves. Oh my God, that's a lot of... Wait, oh, the spaceship actually lights as well. Oh, I want to open this bumblebee. Oh, I don't want to break him. Oh, I didn't break him. He just moves. Then we could transform him to a car. Mama! It's a battery, Mama. Gonna light up. It is already lighting up. Look. Yeah. It's oh my gosh, I hope so I can do this. I'm flying. I don't believe I can fly. Mama, I don't know where I found the button. I found the button here. I'm one. I'm not one. Why is it? No, don't touch it. Hey, 7 years coming to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mimi. Happy birthday to you. No, one. Are you one? Are you one? Are you two? Are you three? Are you four? Are you five? Are you six? Are you seven? Stop! You seven? Yeah! Let's go. Happy birthday, Mimi. ये तो सारा केक ना खराब कर माने इधर नहीं करी जाऊँगा इधर नहीं इधर तो ना सीमा इधर down the then down the then इधर you wanna give it to daddy? So fresh, I wanna eat it all. पहले पिज़्ज़ा खा ला बाद में खाऊँ। मैंने केक ना खराब करे था। Pizza with banana, pineapple and jalapenos and cheese. तो अब मैं और हस्बैंड भी एक एक स्लाइस खा ही लेते हैं, वैसे हमने लंच किया था तो एनी भूख नहीं है, सो एक एक स्लाइस इज ओके। It's made of glass. I'm not gonna play with this because Daddy said that. I'm not playing, just watching. So
सो ये है अगली सुबह. आई थिंक आज फादर्स डे था शायद, तो हस्बैंड हिम्मत के लिए वो लेगो वाला बना रहे हैं. ये जो मैं कुछ लेके आती हूँ ना लेगो वाली चीज़, ये हिम्मत तो बनाता नहीं है, तो हस्बैंड को 2-4 घंटे लगा के बनाना पड़ता है. उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद हम कहते हैं हिम्मत को कि प्लीज़ इसे तोड़ना मत, तोड़ना मत. तो इसलिए वो बोल रहा था अर्लियर. सो ये है हिम्मत का पियानो, इसके लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. वो थोड़ा लर्न भी कर रहा है आजकल, एक दो चीज़ें उसने बजानी सीखी हैं जो मैं बचपन में बजाती थी ना, वो मैंने इसको सिखा दी हैं, और इसे काफ़ी जल्दी लर्न भी कर लिया. Happy Father's Day, Daddy. I love you, Himmat. You melt my heart. और ये फादर्स डे के लिए हिम्मत ने डैडी को प्यारा सा कार्ड दिया और प्यारी सी ड्राइंग बना के. That's so cute. साइड पे की प्यावे. This is आलू. This is दाल. This is लस्सी. साग, मक्की की रोटी और लस्सी. Oh my gosh. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हूँ. और बेल को भी क्लिक करना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए. और कमेंट बार में जरूर से बताना कि आप पराठा कहते हैं पराठा, परौठी या व्हाटएवर, बताना प्लीज. ओके, आई लव यू गाइस सो वेरी मच. बाय बाय.